अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दही बड़े की रेसिपी कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ, ताकि बड़े सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हो। साथ ही साथ बड़े को फ्रीज करने का तरीका भी शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लिया है 1 कप उड़द दाल, आधा कप मूंग दाल। आप चाहें तो सिर्फ उड़द दाल के साथ भी बना सकते हैं। इसे सोक करेंगे, ऐड कर देंगे पानी और ओवरनाइट के लिए इसे सोक कर लेंगे। आफ्टर ओवरनाइट दाल अच्छे से सोक हो गया है, देख सकते हैं। अब इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब इसे ब्लेंड करेंगे, तो जितना इजली ब्लेंड हो जाए उतना ही डालेंगे। तो पानी हमने नहीं डाला है दाल के साथ, जो थोड़ा बहुत पानी है उसे ब्लेंड हो जाएगा, ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं। ब्लेंड हो गया है, बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से थिक होनी चाहिए। और बचे हुए दाल को भी डालकर हम ब्लेंड कर लेंगे। सारा दाल ब्लेंड हो गया है, अब इसे फेटेंगे। तो मैंने विस्क का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो हाथ से भी फेट सकते हैं। तो इसे एक ही डायरेक्शन में फेटेंगे ताकि इसमें एयर भर जाए। तो लाइट और फ्लफी सा हो गया है और ये विस्क से गिर भी नहीं रहा है, देख सकते हैं। या फिर इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। बाउल में पानी ले लीजिए और थोड़ा सा बैटर डाल दीजिए, और जब इस तरह से तैरने लग जाए तो इसका मतलब फ्राई करने के लिए बैटर रेडी है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक 2 टेस्ट, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना हुआ साबुत जीरा, 1 टीस्पून किशमिश। किशमिश बिल्कुल ऑप्शनल है, पसंद है तो डालिएगा, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। लेंगे पैन और इसमें ऐड कर देंगे तेल, थोड़ा सा बैटर डालेंगे और जब इस तरह से फूल जाएगा तो इसे निकाल देंगे। तो तेल हमारा रेडी है फ्राई करने के लिए। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और बैटर ऐड करते जाएंगे। आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं, मैंने स्पून से डाला है। साइज़ अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा आप बना सकते हैं। तो जितना ईजली आ जाए उतना ही डालेंगे, क्योंकि ये साइज़ में डबल हो जाएगा। तो एक साइड फ्राई हो गया है, इसे पलट के दूसरे साइड भी फ्राई करेंगे। और जब इस तरह से डार्क गोल्डन कलर आ जाएगा इसे हम निकाल लेंगे। और इसी तरह सारा बनाकर रेडी कर लेंगे। तो फ्लेम को मीडियम रखना है ताकि बड़े अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए और डार्क गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो सारे बड़े रेडी हो गए हैं। लेंगे पानी और इसमें बड़े को ऐड कर देंगे। तो गरम गरम बड़े को डायरेक्ट पानी में मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो इससे बड़े में गुठली आ जाता है। जब थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाए फिर इसे पानी में ऐड कीजिएगा। तो इसे 10 मिनट के लिए हम सोक करेंगे। जब तक बड़े सोख हो रहे हैं तो हम दही फेंट लेते हैं। तो 1/2 kg लिया है थिक दही, इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप पिसी हुई चीनी, 1/2 टीस्पून नमक और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दही काफ़ी थिक है तो इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा पानी, ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए। तो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से फ्लोइंग रखेंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं, बड़े जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं।
तो एक्स्ट्रा पानी जो है इसे हम हल्के हाथों से दबाते हुए निकाल देंगे। तो 10 मिनट से ज़्यादा हम बड़े को सोक नहीं करेंगे, नहीं तो इसका सेप जो है वो बिगड़ सकता है। तो सारे बड़े को पानी से निकाल देना है। तो बड़े को सर्व करना हो तो इस तरह से असेंबल कर लीजिए और इसके ऊपर पोर कर दीजिए दही। तो इसी तरह मैंने दूसरा ट्रे भी रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर डाल देंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। इमली की खट्टी मीठी चटनी। और ग्रीन चटनी। तो आप चाहें तो इसे इसी तरह सर्व कर सकते हैं या 5 मिनट के लिए फ्रीज में रखकर ठंडा कर भी सर्व कर सकते हैं। तो मज़ेदार सा हमारा दही बड़े रेडी है। अब इसे सर्व करेंगे तो इस तरह से थोड़ा सा मैंने नमक पारा डाल दिया है। आप चाहें तो अनारदाना या फिर सेव भी डालकर सर्व कर सकते हैं। तो काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है, देख सकते हैं। अब जो बड़े बच गए हैं इसे हम फ्रीज करेंगे। तो इस तरह से जिपलॉक बैग में डाल दिया है और स्ट्रॉ के हेल्प से एयर निकाल दिया है। और इसे आप 1 से 2 महीने के लिए फ्रीज़र में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब इस्तेमाल करना हो तो इसे रूम टेम्परेचर पर लाकर आप इस्तेमाल कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।